एलोकेट्स आर चैप्टर फोर इज गोइंग ऑन। चैप्टर फोर की हम क्वेश्चन आंसर अब आज करने जा रहे हैं। बुक वर्क इसका कंप्लीट हो गया है, डिफाइन द टर्म्स कंप्लीट हो गई हैं। आज हम इसमें कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर। सो पार्ट डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिप्रोडक्शन। इसको क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? री का मतलब दोबारा। रीटेस्ट बोलते हैं ना, कई बार हम बोलते हैं कि मैम मेरा दोबारा टेस्ट ले लो, तो उसको रीटेस्ट बोलते हैं। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? दोबारा प्रोड्यूस करना। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन काइंड बाय लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, प्रोसेस क्या? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रोड्यूसिंग होती है, मतलब एक जो जीव है या फिर एक एनिमल है अपनी तरह का दूसरा एनिमल भी प्रोड्यूस कर सकता है। दूसरा एनिमल जब वो प्रोड्यूस करता है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन काइंड, अपनी तरह का दूसरा एनिमल जब प्रोड्यूस करता है तो उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। बाय लिविंग थिंग्स मतलब जो जीवित होते हैं, जो निर्जीव है, जैसे ये ग्लास है या फिर ये बॉटल है, तो वो तो नहीं अपने आगे बच्चे पैदा कर सकती ना। जो लिविंग थिंग्स है, जैसे इंसेक्ट है, बर्ड है, एनिमल है, स्नेक है, लिजर्ड है, वही अपने आगे बच्चे पैदा कर सकती है ना। तो जो अपने आगे बच्चे पैदा करते हैं, जो ये प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन काइंड बाय लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्या है? व्हाई डू एनिमल रिप्रोड्यूस। जो एनिमल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं? वो आगे बच्चों को जन्म क्यों देते हैं? अब आप खुद सोचो, आगे बच्चों को जन्म क्यों देते हैं? अगर उन्होंने आगे बच्चों को जन्म ना दिया, वो मर जाएंगे तो वो खत्म ही हो जाएगा, धरती पर वो प्रजाति खत्म हो जाएगी ना। तो इसलिए एनिमल्स रिप्रोड्यूस टू कंटिन्यू देयर ओन काइंड ऑन अर्थ। एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि उनके तरह के जीव धरती पर कंटिन्यू कर सके, प्रेजेंट रह सके धरती पर, इसलिए वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस। व्हाट आर द डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके कौन से हैं जिससे कि एनिमल जो है आगे जीवन दे सकते हैं, आगे रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वो क्या है? एनिमल रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस और बाय लेइंग एग्स। दो तरह से कर सकते हैं, या तो वो यंग वंस को बर्थ देते हैं, सीधा बच्चों को जन्म देते हैं, या फिर वो अंडे देते हैं। ठीक है, जैसे मुर्गी है वो अंडा देती है, काऊ है वो बच्चे देती है ना, और जो हैन है या पिग है, पिग आगे बच्चे देती है, हैन आगे क्या देती है? एग्स देती है। तो अलग अलग दो तरह से जीव पैदा होते हैं, वो कैसे? एक तो न्यू बच्चे पैदा देती है या फिर एग्स देती है। ठीक है, तो ये थ्री क्वेश्चन आपने यहीं से देख के लिख लेना, ये थ्री क्वेश्चन लिखने भी हैं और लर्न भी करना है। कल आपका रिटन और ओरल दोनों टेस्ट है, सिर्फ ये थ्री क्वेश्चंस का। ठीक है।